क्या किसी मंत्र के अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा सकता है? रमण महर्षि ने कहा, नहीं। मंत्र जाप करने वाला इसका अधिकारी तथा मंत्र की दीक्षा प्राप्त होना चाहिए। महर्षि ने प्रमाण स्वरूप यह दृष्टांत दिया। एक राजा अपने प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर गया। राजा को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मंत्र के जाप में व्यस्त है। प्रतीक्षा करने के उपरांत प्रधानमंत्री के उपस्थित होने पर राजा ने जाप के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि मैं सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री का जाप कर रहा था। राजा ने प्रधानमंत्री से मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु प्रधानमंत्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बताई। तदुपरांत राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मंत्र जान लिया तथा मंत्री के मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मंत्र उच्चारण कर मंत्र की शुद्धता के संबंध में जानना चाहा। मंत्री ने कहा कि मंत्र शुद्ध होते हुए भी उन्हें स्वयं यह बात भी कहने का अधिकार नहीं है। जब उसका कारण बताने का आग्रह किया गया, तब मंत्री ने समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजा को कैद कर लेने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया। पुनः आदेश को अनेक बार दोहराया गया, किंतु उसका पालन नहीं हुआ। राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने उसी सेवक को आदेश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार कर ले। सेवक ने आदेश का तुरंत ही पालन कर दिया। मंत्री ने हंसकर कहा कि मैंने आपकी जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। राजा ने पूछा, वह किस प्रकार? दोनों बार आदेश समान ही था तथा पालनकर्ता भी वही था, किंतु आदेशकर्ता भिन्न भिन्न थे। जब मैंने आदेश दिया तब उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ, जबकि आपके द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन किया गया। मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार है। यहां पर उन मंत्रों के बारे में कहा जा रहा है जो ओम से शुरू होता है। भगवान का नाम आप लोग ले सकते हैं, और अगर ओम से जो भी मंत्र शुरू होता है, अगर आपको उसका जाप करना है तो आपको उसको गुरु से ही प्राप्त करना होगा। राम नाम का जाप आप लोग कर सकते हैं। राम नाम का जितना जितना ज्यादा आप जाप करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप पात्र भी बन जाएंगे और बहुत जल्दी आपको आपके गुरु भी मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं जो राम नाम लिखता हूं भगवान नाम महात्म्य पुस्तक में, राम नाम के बारे में क्या लिखा गया है, मैं यहां पे थोड़ा सा पढ़ भी देता हूं। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव की कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। श्री नारद पुराण में तो यहां तक कहा गया है, कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म, योग, ज्ञान आदि साधनों का सांगोपांग संपन्न होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है, इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं, यह सबको सुलभ है। इसमें ना कोई खर्च है, ना परिश्रम है, किसी प्रकार की बाधा भी नहीं है। श्री हरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप करने में चांडाल भी समर्थ नहीं है। तो ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के नाम में, अगर बहुत ऐसे लोग हैं ना जो अपने आप को सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं, तो ठीक है, आज से आप प्रण कर लो कि आपने जो भी बुरे कर्म किए उसे आप दोहराओगे नहीं, और आज से ही भगवान का नाम आप लेने लगो तो धीरे धीरे भगवान आप पे बहुत कृपा करेंगे। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जिन्होंने पहले कुछ गलतियां की हैं, कुछ ऐसी ऐसी गलतियां की हैं जो शायद उन्हें बहुत परेशान करता होगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि पहले आप स्वयं को क्षमा करो। अगर आप उस इंसान से माफी मांग सकते हो तो जाओ आप उस इंसान से माफी मांग लो, नहीं मांग सकते हो तो मन में माफी मांग लो, हृदय से माफी मांग लो, और स्वयं को भी क्षमा करो।
स्वयं को माफ करो। कभी कभी हम खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कर्म का ही ये प्रभाव होगा, शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जानबूझ के गलती करो, जानबूझ के किसी का बुरा करो और ये सोचो कि नहीं, पूर्व जन्म में कुछ किया होगा उसने मेरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में पश्चाताप आ रहा है कि आपने गलती किया है, तो आपको अभी मान लेना चाहिए, उसे माफ़ी मांगना चाहिए, खुद को भी माफ़ करना चाहिए और प्रण करना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती आपसे ना हो। और भगवान का नाम जपिए, जितना ज़्यादा नाम का जप कर सकते हैं, नाम का जप कीजिए, सबसे आसान है। जैसे इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नाम जप क्या होता है। भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लीजिए, राम 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 राम, बहुत परेशानी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, 30 मिनट तक लगातार राम 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 राम, आप करके तो देखो, आप करके देखो, आप मेरी बात मत सुनो, आप कभी करके देखो, उसके बाद देखो क्या होता है, पूरा का पूरा शरीर बैलेंस हो जाएगा, कुछ भी परेशानी हो। तो आगे हम रमण महर्षि द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर को और भी सुनेंगे। जनरली मैं उसके शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो आप इस चैनल पे, और हमारा एक और जो चैनल है अमसू ट्यूब, उस पर भी मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है, तो आप सर्च करेंगे अमसू ट्यूब, AMSUTUBE, तो आपको मिल जाएगा। आप अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जो भी दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पे मैं जाके उनके वीडियोस बना के अपलोड करूँ, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गायत्री मंत्र, अगर आप लोग गायत्री महाविज्ञान सुनना चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं टॉपिक वाइज उसे अपलोड करने वाला हूँ, धीरे धीरे ही वो अपलोड होगा, 2-3 दिन पे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि किसी एक ही ग्रुप को ज्वाइन करें, सारे ग्रुप में एक ही कंटेंट आएंगे, तो 2-3 ग्रुप ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डायरेक्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और ये बिल्कुल मुफ्त है व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पे गायत्री महाविज्ञान टॉपिक वाइज मैं अपलोड करूंगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसे मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।